मेरा साथ दें। आप सबको प्रणाम करता हूँ, समृद्ध मंच को प्रणाम करता हूँ, आदरणीय गुरु जी की गरिमामयी अध्यक्षता इस मंच पर है। आप सबको प्रणाम करते हुए इस कवि सम्मेलन का और अपने काव्य पाठ का मैं मंगलाचरण करता हूँ। चार पंक्तियां अपने आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की अर्चना से स्वागत इस कवि सम्मेलन का आरंभ करता हूँ। आप सबका मन मांगता हूँ, एक बार मुझे आदेशित करें, मैं काव्य पाठ आरंभ करता हूँ। इस देश में कहा गया कि भारत में राम हुए ही नहीं, तो बात मैंने चार पंक्तियों में कही है, आप लोगों ने सुनी होगी। मैंने उन्हें सिर्फ एक छंद में बांधने की कोशिश की है। मेरा छोटा भाई अमन बैठा है, जिन्हें हम सब लोगों ने जमीन पर बैठकर सुना है, ऐसी मनीष भैया बैठे हैं, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। मेधा और प्रज्ञा में सबसे छोटा कवि हूँ, आयु में भी हूँ, आप सबको समर्पित करता हूँ अपने आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम राम की अर्चना से, निवेदन करता हूँ, सुनिएगा। एक बार काशी बहुत अच्छा कविता सुनती है, मैं कई बार काशी आया हूँ और काशी ने मुझे भरपूर प्यार दिया है। इस ऑडिटोरियम में पहली बार पढ़ रहा हूँ, आप सबका मन मांगता हूँ, आरंभ करता हूँ, सुनिएगा। एक क्या हूँ, टेक्निकल टीम प्लीज देख लीजिए, कहीं कोई इको की प्रॉब्लम आ रही है शायद। एक बार कोई जब कहता है राम, तब राम किसी व्यक्ति का सुनाम कहलाता है। यहीं से इस कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन बनाना, मैं पंक्ति आरंभ करता हूँ। स्वागत। एक बार कोई जब कहता है राम, तब राम किसी व्यक्ति का सुनाम कहलाता है। कोई जो दो बार यदि कहता है राम राम, वही राम तब अभिवादन कहता है। तीन बार कोई यदि कहे राम राम राम, राम तब वेदना का रूप धर आता है। चार बार कहने से राम 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 राम, राम नाम तब महामंत्र बन जाता है। क्या कहने, वाह 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 वाह, बहुत बहुत आभार, जय श्री राम। प्लीज कोई हेल्प कर दीजिए। पहले कवि के रूप में आपके बीच में हूँ, थोड़ी सी अभी बस 5 मिनट में सब कुछ सेट हो जाएगा, फिर अतुल आप लोगों को सेट करेंगे। मुझे पता है काशी कैसा कविता सुनती है और राम को कैसे सुनती है। और आरंभ करता हूँ, चार पंक्तियां और पढ़ता हूँ, जिनके हाथ नहीं खुले हैं उन्हें एक और अवसर देता हूँ। श्री राम है प्रतीक रूप मेरी राष्ट्रीयता के, राम बिनु भारत की कोई पहचान क्या। श्री राम है प्रतीक रूप मेरी राष्ट्रीयता के, राम बिनु भारत की कोई पहचान क्या। एकता भवस्मिता के शिखर पुरुष राम, राम बिनु भारत की आन बान शान क्या। लोक और वेद के समस्त गुण धाम राम, राम को नकारने से बड़ा अपमान क्या। राम राष्ट्र गौरव है, राम प्रेरणा के पुंज, राम बिनु भारत हो पाएगा महान क्या। राम बिनु भारत हो पाएगा महान। भारतीय सभ्यता में रचे हैं बसे हैं राम, वेद व वेदांग के समस्त ज्ञान राम है। भारतीय सभ्यता में रचे हैं बसे हैं राम, वेद व वेदांग के समस्त ज्ञान राम है। बुद्धि में बृहस्पति तो बल में है इंद्र राम, इंद्रिय विजेता और शौर्यवान राम है। देश के भविष्य राम, भूत वर्तमान राम, राष्ट्र अस्मिता की शान पहचान राम है। कण कण में है राम, तण तण रमे राम, व्याप्त है सर्वत्र सर्वशक्तिमान राम है। वाह 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 वाह, क्या कहने। अब सबको प्रणाम करता हूं। कोई भी श्रृंगार का जो कवि होता है साहब, वो अपनी नायिका का रूप सौंदर्य का वर्णन करता है। मैं अपने आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की अर्चना में उनका नक्षिक वर्णन करने की कोशिश करता हूं और पंक्तियां रखता हूं। हिंदी का विद्यार्थी रहा हूं तो अपनी उत्तर पुस्तिका आदरणीय
और आप सबको देता हूं, सुनिएगा। भगवान राम का चित्र आप अपने मस्तिष्क में रखिएगा और मेरी कविता के साथ यात्रा करिए, सुनिएगा। शुभ चिन्ह चरण तल पर अंकित, स्वागत। शुभ चिन्ह चरण तल पर अंकित, ध्वज अंकुश कुलिस कमल सुंदर, वाह। चारों फलदायक भक्तों के हृदयंगम करते संत प्रवर, अंगुष्ठ सुभग अविरल अंगुलि, नख अरुण प्रभा से अनुरंजित, उन्नत पद प्रष्ठ रुचिर अनुपम, शुभ युगल जानु पर जग मोहित। मन अद्भुत मंजुल कदली स्तंभ सदश, दोनों जंघाएं पुष्ट प्रबल, कटिया भूषण स्वर्णिम किंकिन, टूरी रकसे पट पीत नवल, केसर अनुलेपित वक्षस्थल, अंकित पावन भृगु चरण चिन्ह, उर मुकुट माल शोभित मानो, सरमद हंस अवली प्रसन्न, विस्तृत उन्नत सुविशाल कंध, आजान बाहुबल विपुल सिंधु, कर शोभित कंकन कंबु ग्रीव, कमलानन सुसमह केंद्र बिंदु, मकराकृत कुंडल कानों में, निज शोभा से करते कृतार्थ, चंचलता से यूं डोल रहे गुरु शुक्र कर रहे शास्त्रार्थ, राजीव विलोचन तरुण अरुण, करुणा हमें सुषमा युक्त सरस, सम्मोहक सुंदर कल कपोल, नासिका सुभग सुकतुंड सदृश, अति मृदुल मनोहर अलका हवली, कुंचित श्यामल रमणी कर रम्य, अलिवृंद मनहु मधुपान हेतु, कमलानन पर हो रहे धन्य, सुचिकांति युक्त कमनीय रुचिर, बाकी द्वय भ्रकुटी कृष्ण रंग, विचतिलक रेख शोभित मानो, धनुबाण चढ़ाए है अनंग, उत्तम उदात्त उन्नत ललाट, विधि के शुभ अंकों से अंकित, अप्रतिम अनुपम छवि केंद्र बिंदु, सुचितिलक भाल कुमकुम रेखित, कंचन किरीट मणि रत्न जड़ित, शीर्षस्थ सुरुचि शोभायमान, हो रहे विकीर्णित रश्मि पुंज, अति ज्योति पूर्ण दे दीप्यमान, जिनकी 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 अतुलित छवि के सुर नर, जिनकी अतुलित छवि के सुर नर, मुनि शेष शारदा गायक है, वो राम हमारे नायक है, प्रभु राम हमारे नायक है, वह पुरुषोत्तम भारत गौरव, प्रभु। ऐसा नहीं सब काम चलेगा, मेरे साथ समेकित रूप से बोलिएगा, वर्षाव रामचंद्र की जय, जय श्री राम, हर हर महादेव। आप सबको प्रणाम करता हूं, बहुत बहुत अच्छा। एक मैंने बाह्य सौंदर्य का वर्णन किया है, कुछ शब्द विशेष में एक आंतरिक सौंदर्य का मैं वर्णन करता हूं अपने आराध्य का। स्वागत है, स्वागत है। और पंक्तियां रखता हूं, अपने शब्दकोश से कुछ विशेषण मैंने चुने हैं, यद्यपि किसी भी शब्दकोश में सामर्थ्य नहीं है उसमें ये सामर्थ्य हो कि वो मेरे आराध्य की विशेषताओं का वर्णन कर सके, मैंने कोशिश की है। मैं निवेदन करता हूं और उत्तर पुस्तिका समर्पित करता हूं। बहुत बढ़िया, स्वागत। सुनिएगा गुरु जी, सुनिएगा, आप सभी लोगों को मैं समर्पित करता हूं। अव्यग्र अनघ अक्षय अनंत अज्ञेय अमर अनुपम अद्वेष, कुछ ऐसे है। क्या अनुप्रास है, वाह वाह, बहुत सुंदर। अव्यग्र अनघ अक्षय अनंत अज्ञेय अमर अनुपम अद्वेष, अविगत अनिंद्य अकरण अचिंत्य, आद्यंत हीन अच्युत अशेष, अव्यक्त अनादि अगोचर अज, निष्पाप सनातन अप्रमेय, मंजुल मंगल प्रद निगम अगम, सद्धर्म वर्म अव्यय अजेय, कलि कलुष निकंदन ज्ञान गम्य, दुज धेनु संत प्रिय विश्व वंद्य, योगींद्र परंतप महावीर्य, रघुपुंगव शाश्वत सत्य संध, रवि कुल भूषण गोपर गुणज्ञ,
बलम प्रमेय खल दल नाशक श्रुति वंदित व्यापक गुणातीत वेदांत वेद विप्रोपासक संविज्ञ सरल संयत सुशील सर्वेश शांत सत्य अनुरक्त समदर्शी शुभ प्रद सहज सदय सुचिशानुकंप संप्रभु सशक्त इच्छाक वंश संभूत जितेन्द्रिय महायशस्विन तपोनिष्ठ धर्मज्ञ प्रियं वद प्रणत पाल विज्ञान धाम शुभ दर्श शिष्ट मुनिमक रक्षक महिभार निवारक दुष्ट तनुज कुल संहारक करुणा निधि निर्विकार निरुपम शरणागत वत्सल उद्धारक प्रणत हरति मोचन कृपा सिंधु प्रणत हरति मोचन कृपा सिंधु सर्वांतरस्थ सुखदायक है। वाह वाह क्या बात है। हमारे नायक है भाई प्रभु राम हमारे नायक। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बहुत वह पुरुषोत्तम भारत गौरव प्रभु राम हमारे नायक हैं। प्रभु राम एक कविता विशेष का मुझे आदेश भावना जी ने किया था। स्वागत है। कविता पढ़ने का समय स्वागत है। साहब इसी देश में कहा गया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। इसी देश में कहा गया कि भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी जारी। और यह भी कहा गया कि भारत अब तालिबान बनने की अग्रसर है। मैं हिंदी का विद्यार्थी तो मैंने अपनी भाषा में कुछ उत्तर दिया है और आपको लग जाए कि मैंने ठीक ठीक उत्तर दे दिया है तो आप सबका मैं मन मांगता हूं, आप सबका आशीर्वाद मांगता हूं। भारत का मानचित्र कैसा बना हुआ है उस मानचित्र को आप अपने मन मस्तिष्क में रखिएगा, मेरी कविता के साथ मेरी पंक्तियों के साथ यात्रा करिएगा। मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं, सुनिएगा। स्वागत है। स्वागत है भाई। वाह। शोभित उज्ज्वल हिम शिखरों से कहा शोभित उज्ज्वल हिम शिखरों से मेरा गर्वित उन्नत ललाट गंभीर युक्त दृढ़ भाव लिए यह अटल निश्चयी शैलराट घाटियां पुष्प अर्पण करके करती मस्तक का अभ्यर्चन शीतलता का आगार अगम हिम कण का शुभ्र धवल चंदन है पावन नदियों का उद्गम है तपवस्थल ऋषि मुनियों का है भरा हुआ भंडार यहाँ जीवन दाई औषधियों का भुज से लेकर अरुणांचल तक विस्तृत वक्षस्थल हरा भरा मिलता है त्राण जहाँ सबको उर्वरा शस्य श्यामला धरा है विंध्य सतपुड़ा कटिभूषण माथे किरीट नगपति विराट गुजरात बंग मम पुष्ट कंध द्वय जंघ रूप है उभय घाट द्वय जंघ रूप है उभय घाट सतलज झेलम रावी चिनाव गंगा यमुना की अमिय धार कृष्णा का वेरी ब्रह्मपुत्र नर्मदा सिंधु का जल अपार अभिशिंषित करती तन मन को नित गोदावरी तुंग भद्रा घाघरा तापती सोनके नमे जीवन ताई तत्व भरा गर्भस्थ रत्न मणि सिंधु लिए अर्चन में लहरों का प्रवाह पद पदुम पखार रहा निश दिन जल राशि लिए है अविरल वथा नहीं मात्र भूखंड वेक नहीं मात्र भूखंड वेक मैं चेतन जीवित जागृत हूँ मैं भारत हूँ। बहुत बढ़िया। तो वाह बहुत बढ़िया भाई। बहुत बहुत आभार आपका। एक भौगोलिक प्रश्न मैंने आपके सामने रखा जो वरेण्य लोग हैं गुरुजी। एक पौराणिक प्रश्न में खींचता हूं, पंक्ति अनुवेदित करता हूं। स्वागत है भाई। प्राचीन सभ्यता का द्योतक मेरी संस्कृति सबसे महान नव पंथ दिखाया है जग को तब जगत गुरु का मिला मान मैं सत्य सैंधव मध्य देश या आर्यावर्त कहा जाता नीग्रो आश्रित या द्रविड़ आर्य इनसे प्राचीन रहा नाता वेदों का मंत्रोच्चार किया उपनिषदों में भर दिया ज्ञान वेदांग ब्राह्मण आरण्यक
गीता जीवन का समाधान, वह शंकर का अद्वैतवाद, समरसता शैव दर्शनों की, देखी है करुणा की धारा, बौद्धों की हो या जैनों की, मेरी सभ्यता समावेशी, संस्कृति रहती गतिमान नित्य, पर मौलिकता जो की त्यों है, हो रहे समाहित बाह्य तत्व, हिंद सिंधु के शीर्ष बिंदु से सामगान का स्वर उपजा, निर्भय हो मैंने लहराई सर्वोच्च सनातन धर्म ध्वजा, निर्भय हो मैंने लहराई सर्वोच्च सनातन धर्म ध्वजा, वसुधैव 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 कुटुंब का भाव लिए, वसुधैव कुटुंब का भाव लिए, करता मैं सबका स्वागत हूँ, मैं भारत हूँ, मैं भारत हूँ, अद्भुत अद्भुत, मैं भारत हूँ। सभी लोग बोलिएगा फिर एक बार, भारत माता की, भारत माता की। कविता लंबी है और समय की अपनी सीमाएं हैं, इसलिए बीच के बंद मैं काटता हूं और अंतिम बंद आपको भेंट करता हूं और अपना स्थान देता हूं। ये वो देश है साहब जहां के कणकण में, जहां के तरतर में देवता विराजमान है। मैं काशी में खड़े होकर काव्य पाठ कर रहा हूं, लक्ष्मणपुर की धरती से आपके बीच में हूं, स्वाभिमानी धरती से खड़े होकर मैं, खड़े होकर स्वाभिमानी धरती से आकर एक बंद मैं आपके बीच में रखता हूं और आपका आपका आशीष मांगता हूं, पंक्तियां निवेदित करता हूं, सुनिएगा। मेरा कण कण तण तण पवित्र, कोटिक देवों का दिव्य वास, मेरा कण कण तण तण पवित्र, कोटिक देवों का दिव्य वास, तप दान और व्रत योग यज्ञ से करता निज पौरुष विकास, भावना विश्व कल्याण सदा, मैं मानवता का हूँ पोषक, सर्वे भवन्तु सुखिनः जैसे मंतव्यों का हूँ उद्घोषक, मेरे उदार आचरणों को अन्यथा न ले कोई किंचित, सम्मान मान की रक्षा में अणु अणु लोहू से अभिसिंचित, यूनानी वीर सिकंदर ने मम शौर्य शक्ति को किया नमन, जब हुआ पराजित सिल्यूकस उसकी पुत्री का किया वरण, संकल्प त्याग बलिदानों की। बहुत सारे नाम मैंने लिए हैं, अब एक नाम लेता हूं आपकी अदालत में, मुझे नहीं पता उस नाम को सुनने के बाद ये सभागार कितना गुंजायमान होगा, पर मैं कोशिश करता हूं कि संकल्प त्याग बलिदानों की, पावन है मेरी परिपाटी, संकल्प त्याग बलिदानों की, पावन है मेरी परिपाटी, मेवाड़ सिंह के गर्जन से है गूंज रही हल्दी घाटी, मेवाड़ सिंह के गर्जन से है गूंज रही हल्दी घाटी, चलता था शिवा युद्ध करने, कर में गह कर भीषण कृपाण, रानी झांसी समरांगण में रणचंडी का शाश्वत प्रमाण, मंगल पांडे सुखदेव भगत नेता सुभाष बिस्मिल शेखर, अगणित बलिदानों का प्रतिफल मम ओज पराक्रम अजर अमर, सर्वोच्च रहेगा कीर्ति केतु, सर्वोच्च रहेगा कीर्ति केतु, मैं सवा अरब की ताकत हूँ, मैं भारत हूँ, मैं भारत हूँ। मेरे साथ बोलिएगा, दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोलिएगा, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत शुक्रिया अतुल, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह वाह वाह।